अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंस। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिस जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, मैंने काफ़ी देर दिन से इनको कोई ऐसा कैल्शियम का सॉस नहीं डाला था। तो ये देखें, मेरी मुर्गी के पर खाना शुरू कर दिए इन लोगों ने, ये देखें। तो अपनी गलती है जिसकी वजह से इसको गर्दन से बिल्कुल गंजा कर दिया है। तो इसके इलाज पे आज बात करेंगे। और एक ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है, और इसके अलावा ओशियन मिनरल्स कम्प्लेक्स भी हैं, मतलब कि फास्फोरस, पोटाशियम और प्रोटीन से भरा हुआ। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ जी, इंटेक भी बहुत बेहतरीन सस्पेक्शन है ये। और 60 ml की पैकिंग में आ रहा है, 120 की भी पैकिंग में आता है, वो रेट पे इंटेक डी के नाम से आता है। तो विटामिन डी है इसमें, ओशियन मिनरल्स कम्प्लेक्स हैं, और इसके अलावा प्रोटीन है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो ये अगर आपकी मुर्गियाँ एक दूसरे के पर खाने लग जाएं तो समझ जाएं, वो हमने पक्की जगह पे रखी होती हैं तो मिट्टी से तो इनकी कैल्शियम पूरी होती है। तो तरीका इस्तेमाल बताएंगे इसका, और इसके मैं और भी आपको फ़ायदे बताता हूँ। ये आपने कंटेनर इनका ले लेना है, इसमें आपने अब मेरे को मुर्गियाँ 2 cc में इसमें ऐड कर दूँगा जी, ये 2 cc मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 2 लीटर पानी डाल देंगे। ये 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो हैं मुर्गियाँ एक दूसरे के पर खाती हैं तो आप इनको दें, इसके मैं आपको और भी फ़ायदे बताता हूँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आपको मैं इसके फ़ायदे बता दूं पहले। अच्छा, सबसे बड़ा जी इसका फ़ायदा है, ये एग शेल जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई होती है, उसको ये बढ़ाता है सी, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो विटामिन डी जो है ना, इनकी टांगों को जो है वो मजबूत करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो ये दूसरे के पर खाते हैं, डिक्रीजर फीदर ईटिंग, जो पिंस निकलती हैं, जो उनकी पिंस के अंदर पानी होता है उसको पीते हैं अपना कैल्शियम पूरा करने के लिए, ठीक है। और बेहतरीन चीज़ है, आप लेकर रखें, FCR को भी बेहतर करता है। और अगर चिक्स को आप देते हैं उसको एक लीटर पानी में आधी cc आपने डाल के देना है, अगर चिक्स को दे रहे हैं, जो छोटे चिक्स होते हैं न्यूबॉर्न, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा सब, एक और इसकी मैं फ़ायदा बता दूं, हैच एबिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, इसको हैच एबिलिटी को इम्प्रूव करता है ये हैच एबिलिटी को बढ़ाता है ये, फर्टिलिटी का अमल जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। आपके बर्ड्स अगर फर्टाइल जो है ना एग नहीं देते हैं, एक तो जो एग नहीं दे रहे उनको आप मुसलसल ये 7 दिन, अच्छा इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कम से कम 4 दिन। आप समझते हैं कि इनको कैल्शियम की कमी हो सकती है तो आप इनको ये सिरप दें, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 100 फ़वाद हैं इस सिरप के, अगर एक आपको जो है ना सस्पेंशन के में इतनी सारी चीज़ें मिली हैं तो आपको पोल्ट्री में और क्या चाहिए। बेहतरीन चीज़ें, इंटेक डी के नाम से आता है, आप ले आएँ और यूज़ करवाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है, जो मुर्गियाँ अंडों से बंद है, अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि जो एग शेल होता है वो पूरा कैल्शियम से भरा हुआ होता है। तो आप सोचें, वो अगर डेयरी की बुनियाद पे अंडा दे रही है, या तो 2-3 दिन छोड़ के अंडा एक नागा करती है, 2-3 दिन अंडा देती है, उसका कितना कैल्शियम निकल जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए आप इंटेक डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।